क्या आपने कभी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप से देखा है? आप लोगों में से बहुत से लोग बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, हम अपनी खुली आंखों से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं, बट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी खुली आंखों से, कौन सा टाइम है और आप कैसे देख सकते हो पूरा आपको एंगल और क्या डायरेक्शन होता है उसका, कब आता है आपके लोकेशन पर, ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाकर दिखा देता हूं। तो गाइज आ गए हम अपने स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपको ISS को अपनी खुली आंखों से देखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम है ISS डिटेक्टर, आपको प्ले स्टोर पर एकदम आसानी से मिल जाएगा। आप इसको जैसे ही सर्च करोगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, या फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। आपको इसको सिंपली ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद इसमें आपको कोई भी रजिस्टर या फिर साइन इन कुछ भी नहीं करना है, लॉगिन, बस आपको इसको ओपन कर देना है। और याद रहे कि आपका इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ओके। इसको ओपन कर देना है और यहां पर बहुत सारी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हैं बहुत सारी शो हो रही होंगी कि आपके लोकेशन पर कब शो होंगी। तो ओके, तो यहां पर जैसे इरिडियम 54 है, यहां पर दिखा रहा है कि कब कितने दिन बाद या फिर कितने घंटे बाद आपके लोकेशन से गुजरेगा। तो यहाँ से देखिए रडार पर यहाँ पर दिखा रहा है दो दिन 1 घंटे 5 मिनट बाद आपके लोकेशन से गुजरेगा। और यहाँ से जैसे देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ पर पूरा चंद्रमा, मून, यूरेनस कहाँ पर इस टाइम है ये सब दिखा रहा है। और यहाँ पर जैसे हम डिटेल पर जाते हैं कितने टाइम के लिए रहेगा और इसका जो लैटिट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है और एक किस डायरेक्शन पर जाएगा, यहाँ पर सब आपको और कितनी हाइट पर रहेगा सब आपको दिखेगा। दोस्तों आपको बता दूं एकदम क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट आप इसको देख सकते हो अपने आंखों से, पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसका हाइट दिखा रहा है 789 किलोमीटर ऊपर रहेगा। और यहाँ से देखिए चल रहा है धीरे धीरे, ये हमारी लोकेशन की तरफ आ रहा है, ओके। और ऐसे ही आपको बहुत सारी यहाँ पर ISS देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से बहुत सारी ISS को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला ISS को देखता हूँ, ISS मैग 0.8 को। तो यहाँ से देखिए ये मेरे लोकेशन पर 6 दिन 11 घंटे 20 मिनट बाद गुजरेगा, ओके। यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पर जुपिटर है, कहाँ पर सैटर्न है, कहाँ पर वीनस है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर रडार के बगल में जो है 3 मिनट 22 सेकेंड, इसका मतलब है कि 3 मिनट 22 सेकेंड तक विजिबल रहेगा, यानी 3 मिनट तक आप इसको देख सकते हो। और यहाँ से आप देख लेना कि कितने मिनट तक आपके लोकेशन पर विजिबल रहेगा। गाइज बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, यहाँ से आप ISS की पूरी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि वो कितनी ऊपर है, कितनी हाइट पर है, उसका लैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है और उस किस डायरेक्शन में इस टाइम है, यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर से देखना कि शायद आपको कोई दिख जाए। आप अगर देखोगे तो पक्का दिख जाएगा, मैंने एक खुद अपनी आँखों से देखा था तो सोचा ज़रूर से एक इस पर वीडियो बनाया जाए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।